यहाँ पे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे मामा के हाथ की रेसिपी। तो मामा क्या बनने वाला है? मटन दिखाओ ना। अरे वाह, तो यहाँ पे आ गया है मटन। उस दिन मैंने आपको दिखाया था माँ के हाथ की रेसिपी, मटन की रेसिपी, मटन करी की रेसिपी, और आज बनाने जा रहे हैं मेरे मामा। तो आज हम ट्राई करेंगे मामा के हाथ की रेसिपी। तो यहाँ पे मामा ने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, फिर मामा ने डाल दिया तेज पत्ता, और आज हम जो बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे, ये पता नहीं क्या हो गया। और यहीं पे आ गया है प्याज। तो मामा ने पहले सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल में डाला तेज पत्ते का फोरन। आ गए धो के, तो आज हम लोग मटन खाएंगे मामा के हाथ का, दोनों मामा के हाथ का। अब मुझे खाना है नहीं, मुझे आज से मेरा गुरुवार भी हम कर रखे हैं उपवास। और यहाँ पे गई कढ़ाई में मटन। दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, हाँ ये सब तो हमने यहाँ पे बना लिए हैं पेस्ट। अगर प्याज गल गया हाँ तो मटन पक गया। प्याज अगर नहीं गला है मटन नहीं पका है। अच्छा, तो इसमें भी अपने को 10 मिनट और लगेगा। हाँ ठीक है, तो मटन हमारा लगभग ये बॉईल की तरह हो रहा है, और मेरे दोनों मजे से बना रहे हैं, एंजॉय करते हैं हर चीज को। हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, और जीरा पाउडर, भुना जीरा 1 चम्मच, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे पूरे जो सूखे मसाले हैं वो निकाल के रख लिए हैं मामा ने। और यहाँ पे बोलो प्याज पक गया। हाँ, प्याज भी पक गया है, मटन भी पक गया है। अब इसमें अपन मसाला डालेंगे, खड़ा मसाला, अदरक लहसुन की पेस्ट, और क्या बोलते हैं बनाया। हो सके तो आप मुझे अपने साथ रेसिपी भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।